सिल्वर एंड गोल्डन, ये दो कलेक्शन अगर आप रखती हैं आपके सभी आउटफिट के साथ इजीली से चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए अमेजोन से परचेज की गई कुछ अफोर्डेबल ज्वेलरी की हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपके घर में शादी है या फिर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है। बहुत ही अफोर्डेबल मैंने ज्वेलरी की कलेक्शन यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकर आई हूँ। सो अभी देख सकती हैं आप मैंने जो लुक क्रिएट किया हुआ है, ये मैंने अपनी ज्वेलरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ग्रे कलर का लहंगा वेयर किया है। तो अगर आपके पास कोई ग्रे कलर का, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ग्रे कलर इस तरह के लहंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है तो। एंड इनसे मैचिंग की ज्वेलरी आप गोल्ड भी ले सकते हैं, गोल्डन कलर में और सिल्वर कलर में। ये दो कलर ना इस तरह की आउटफिट के साथ बहुत इजीली से चली जाती है। तो मोस्टली मैंने गोल्डन एंड सिल्वर कलर की ज्वेलरी कलेक्ट की है और सभी बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकती हैं ये है मेरी ज्वेलरी और सभी बहुत ही कम प्राइस में है। आप बिल्कुल मतलब एक बार लिंक से जरूर चेकआउट कीजिएगा। सभी की परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड ब्रांड मैं साथ ही साथ आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट जो है ये इस तरह की कार्डबोर्ड वाली बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। इसका जो ब्रांड है वो जेनमी ब्रांड है एंड ये एक इयररिंग है। सो इस तरह की इयररिंग ना मैं बहुत टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से मैं इस तरह की इयररिंग परचेज करना चाहती थी, तो इस सीजन मुझे थोड़ी सी अफोर्डेबल दिखी तो मैंने इसे बाय कर लिया एंड इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया। तो आपको परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो देखिए मैं आपको इयररिंग दिखा देती हूँ, ये मुझे कैसे रिसीव हुई है। जैसी पिक में दिख रही थी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही रिसीव हुई है। इसमें जो ये आप देख रही है इस तरह की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इसको ये जो इसमें लगी हुई है ना, ये आप निकाल भी सकती हैं। ये लरी इसमें तीन लगी हुई है ना, ये देखिए आप झुमके से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इसको अगर इसके पेज को आप निकालेंगे तो ये अलग हो जाती है। तो इस वाली चीज़ को ना आप किसी और इयररिंग के साथ भी चला सकती हैं या फिर इसके साथ भी आप चला सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद थी और काफ़ी टाइम से मैं परचेज करना चाहती थी। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ना मैंने इसमें की एक इयररिंग परचेज की थी, बट वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, तो अभी मेरे पास नहीं थी तो दोबारा से मैंने ऑर्डर कर ली है। एंड इसमें देख सकती हैं यहाँ पर जो है ना, आपको इस तरह की पांच लड़ियाँ मिली हुई हैं जिसमें छोटी छोटी झुमकियाँ लगी हुई हैं। इसमें बीच में ना आपको कुंदन के वर्क एंड यहाँ पर बीट्स के वर्क किए गए हैं एंड इस तरह की है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसको आप अपने हेयर में फंसाएंगे एंड इस तरह से वेयर करेंगी तो इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो गाइज यहाँ पर मैंने इयररिंग पहन ली और आप देख सकती हैं कितना भरा भरा सा लुक आ रहा है, जबकि मैंने इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी नहीं वेयर कर रखी है। और ये इस ग्रे लहंगे के साथ भी चल जा रहा है क्योंकि इस पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है और ग्रे कलर का लहंगा है, तो इस पर सिल्वर एंड इस तरह के गोल्डन दोनों तरह की ज्वेलरी इजली से चली जाएगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना प्रोडक्ट। सो गाइज इसमें मुझे तो ये एक मैंने ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब अगर आपने ये वाली हॉल में जितनी भी प्रोडक्ट दिखाए हैं सभी परचेज कर लेती हैं तो आपको कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इयररिंग तो अच्छी खासी निकल गई है, बहुत ही अच्छी है। सभी की आपको परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये देखिए मैंने कहा ना, मैंने आउटफिट को ध्यान में रखते हुए ये आपकी हर तरह की, ये जो ज्वेलरी सब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आपका कोई भी कलर हो सभी तरह के आउटफिट के साथ ये इजली से चला जाएगा। और ये देखिए ये मेरा फिंगर रिंग, सॉरी मेरा फिंगर रिंग है इस तरह के, देख सकती हैं। तो इसकी भी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी जो ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग ऐप है ना, प्राइसेज जो है ना फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कि अप एंड डाउन कभी कभी होती रहती हैं, तो आप लिंक के थ्रू चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी प्राइस करेंट होगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये इयरिंग भी, सॉरी इयरिंग, तो ये इयरिंग के साथ देखिए ये काफ़ी अच्छे से जा रही है और मेरे ड्रेस के साथ भी जा रही है, तो यस ये बहुत अच्छी है। एंड इसका जो ब्रांड था ना, शाइनिंग डीवा करके फैशन है, इसका जो ब्रांड है वो शाइनिंग डीवा करके हैं। तो नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ क्या है। तो ये देखिए ये भी सभी मुझे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रिसीव हुआ है एंड यस ये बैंगल है। तो ये मैंने अपनी आउटफिट को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर किए थे, सिल्वर कलर की ये बैंगल है। और अभी हम निकाल लेते, पहले आवाज़ ज़्यादा हो रही है इस रैपर की। तो ये देखिए वाह, ये एक हाथ के हैं। अगर आप सोच रहे कि बस इतने मिले हैं तो नहीं, रुकिए रुकिए अभी और मिले हैं, तो वैसे पहन ही लेती हूँ क्योंकि मेरे ड्रेस के मैचिंग का है।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकती हैं बैंगल कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये एक हैंड के हैं, दूसरे हैंड के ये रहे, तो चलिए मैं इसे भी वेयर कर ही लेती हूँ, आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो आप देख सकती हैं कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी तो मतलब वेडिंग की तैयारी पूरी हो गई है। मुझे भी काफ़ी सारी वेडिंग अटेंड करनी है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। सो ये देखिए पूरा जो लुक है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड अभी हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इस तरह के कार्डबोर्ड में अगेन हमें रिसीव हुई है। एंड ये ज्वेलरी मैंने काफ़ी बार पहनी हुई है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि दी आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, आपने गले में जो वेयर कर रखा है। तो जी हाँ, ये वही ज्वेलरी है। तो मैं आपको इसका भी जो ब्रांड है वो अर्प्रा करके कुछ इसका ब्रांड है इस तरह से। एंड इसका जो परचेज लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है इसका नेक पीस। तो इसके साथ ना मुझे नेक पीस मांग टीका, एंड मेरे पास जगह नहीं रहती है ना, तो इससे मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये है इसका गले वाला, देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो वाव, इसके साथ भी जा रही है, मतलब ये ज्वेलरी ना मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है, ये आपको 200 या 250 में अक्सर देखने को मिल जाएगी, और ये मुझे लगता है ना हर आउटफिट के साथ इजीली से चली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ भी जा रही है ये देखिए। सो ये है इसका नेक पीस। एंड इस पे जो वर्क है ना वो मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें ना बीड्स की छोटी छोटी मोतियाँ नीचे की तरफ लगाई गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ में इसमें डायमंड के वर्क किए गए हैं जो कि गोल्डन कलर में है। कई बार होता है ना सिल्वर कलर, बट ये गोल्डन कलर में है। बीच में बड़ा सा इस तरह का एक डायमंड लगा गया है और लगा हुआ है, और साइड में छोटे छोटे इस तरह के लगे हुए हैं। तो ये है नेक पीस। एंड इसके साथ जो इयररिंग है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ईयरिंग एंड मांग टीका दोनों है इसमें। तो ये पूरा कंप्लीट सेट है। तो ये है इसका, फंस गया। तो ये है इसकी दो ईयरिंग, तो इस तरह की है, और अगर मैं इसको भी पहन लूँ ना तो ये भी चली जाएगी इसके साथ। तो ये दो ईयरिंग है, एंड इसके साथ ये है एक मांग टीका, ये कुछ इस तरीके का आने वाला है। तो वाह, मतलब मैंने ऐसा आउटफिट आज पहन रखा है ना जो सभी लगभग मेरे सभी आउटफिट के साथ इजीली से आज की जितनी भी ज्वेलरी मैंने परचेज की है ना चल जा रही। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए परचेज भी किया था। इसे थोड़ा सा स्टिक करना पड़ता है डबल टेपिंग से, या फिर आप फैशन टेप से स्टिक कर देंगी तो ये इजीली से नहीं निकलती। काफ़ी सारे लोग तो आजकल फैब्रिक से भी चिपका देते हैं, बट मैं नहीं चिपकाती, मुझे डर लगता है। सो ये इसके साथ ईयरिंग एंड मांग टीका, अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड आखिरी भी, क्योंकि मैंने इतनी अभी तक शॉपिंग की थी। वैसे तो अगर आपने इतनी शॉपिंग कर ली आपकी कम्प्लीटली शॉपिंग ख़त्म हो जाने वाली, आप पूरी वेडिंग अटेंड कर सकते हो। तो ये भी अगेन मुझे कार्डबोर्ड के इस तरह के बॉक्स में मिला है, एंड इसका जो ब्रांड है ना वो सूफी है। इसके पहले मैंने ये वाली जो आपको दिखाई थी ना, ये वाली ज्वेलरी, तो इसमें भी सूफी ब्रांड में भी थी। तो मैंने दोनों ऑर्डर की थी, वो जो पहले वाली थी, और अभी तो मैंने अर्प्रा ब्रांड से ऑर्डर किया, अर्प्रा या अर्प्रा कुछ करके था। एंड ये है सूखी ब्रांड करके, तो इसकी भी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। इसके साथ मुझे मिला है नेक पीस, ईयरिंग एंड मांग टीका, तो ये भी कंप्लीट सेट है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने अपने ड्रेस के सभी मैचिंग के ऑर्डर किए थे। तो अगर आपके कलेक्शन में सिल्वर कलर नहीं है ना, तो आपको सिल्वर एंड गोल्डन ये दो कलेक्शन अगर आप रखती हैं आपके सभी आउटफिट के साथ इजीली से चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी ज्वेलरी परचेज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपने इतनी परचेज कर दी तो पूरी वेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आपका आउटफिट गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, पिंक में, जो भी कलर हो, क्योंकि हर ड्रेस में ना आपको गोल्डन कलर और सिल्वर कलर तो मिल ही जाते हैं। तो मोस्टली मैं यही दो कलेक्शन रखती हूँ अपने पास, तो मैंने सोचा आपके भी साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है ना। तो ये है इसका नेक पीस। ओके, तो रुक जाइए मैं इसको एक मिनट, एक खुल भी मेरा, हाँ, तो ये इसका नेक पीस है, और मेरा माइक यहाँ पे है तो मैं इसको पहनूंगी। तो वाह, ये देखिए इसका लुक, तो यहाँ पर देख सकती है मैंने इसे वेयर कर लिया है, और ये भी मेरे ड्रेस के साथ जा रहा। वाह, मतलब मेरी चॉइस, मतलब मैंने जो सोच के ऑर्डर किया था ना, मुझे नहीं लगता कि वो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं बट वो उस टाइप के निकलती नहीं है, बट ये मैंने जैसे सोची थी, एक्सपेक्ट की थी ना, एग्जैक्ट वैसे ही मुझे रिसीव हुई है। अभी मैं आपको इसका इयररिंग दिखा देती हूँ, मैंने वो भारी भारी वाली इयररिंग खोल दी, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ी से हल्के भी हैं
और इसका एक पीस गिर गया है, मैं उसे भी निकालू। तो दोस्तों ये है इसकी इयरिंग, इस पर छोटी छोटी आप देखेंगे ना तो स्टोन के जो डायमंड वर्क कहलाते हैं ना सिल्वर कलर के, वो वाले किए गए हैं, अमेरिकन डायमंड कुछ कहलाते हैं, तो ये वही वाले हैं। एंड ये भी वेयर करने के बाद तो मैंने यहाँ पर इयरिंग वेयर कर ली है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं ये इयरिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बिल्कुल। अब क्या ही कहना, अब ज़्यादा तारीफ़ करूँगी तो आप लोग कहोगे कि कुछ ज़्यादा ही मैं तारीफ़ कर रही हूँ, बट जो तारीफ़ के काबिल हो उसका तो तारीफ़ करनी ही चाहिए। तो ये है इसका छुट्टू सा प्यारा सा मांग टीका, जिन लोगों को बहुत ही हैवी नहीं पसंद है ना वो इस तरह का मांग टीका लगा सकते हैं। ओके तो इसे भी अगर आप स्टिक कर देंगे तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से पूरा मैचिंग हो जाएगा। तो मैं इसे भी लगा ही लेती हूँ क्योंकि ये मेरे ड्रेस की मैचिंग की है। तो गाइस मैंने यहाँ पर मांग टीका भी लगा लिया है और ये है कंप्लीट इस ज्वेलरी का जो लुक आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। सो ये था आज का मेरा वेडिंग स्पेशल ज्वेलरी हॉल वीडियो। आई होप कि मेरे कलेक्शन आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आते हैं ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल इसलिए कहती हूँ ना, हो सकता है आप भी इसमें से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, इसलिए आपकी हेल्प तो हो ही जाती है। एंड हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।